नमस्कार, मी गौरी ठाकरे, युनिटी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे. संगणक शिक्षकांना राज्य शासनाने 5 वर्षांची सेवा समाप्ती झाल्याबरोबर सलग सेवेत समावून घेण्यासाठी संगणक शिक्षकांनी 22 मे 2017 पासून आमरण उपोषण आझाद मैदान मुंबई येथे सुरू केले होते. तरी आपण कोणतीही दखल सरकारने घेतलेली नाही. नागपूर हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना पुन्हा संगणक शिक्षकांनी आपल्या मागण्या पूर्ण करण्याकरिता आंदोलन सुरू केले आहे. संगणक शिक्षकांनी हा निर्धार केला की जोपर्यंत सरकार आमच्या मागण्या पूर्ण करीत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार. अधिवेशन कई आए कई गए, इस सत्र के दौरान अपनी मांगों को लेकर कई मोर्चे निकले, कई आंदोलनकारियों ने आंदोलन किए, फिर भी मांगे पूर्ण नहीं हो सकी. बीते वर्ष संगणक कर्मियों का जो मोर्चा निकला था, लाठी चार्ज हुआ, लाठी खाने के बावजूद भी टस से मस नहीं हुए, उसमें अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे. लेकिन फिर भी इस वर्ष अपनी मांगों को लेकर फिर से यहां पर उन्होंने अपना धरना दिया हुआ है, आंदोलन किया हुआ है. आइए हमारे साथ में वही संगणक कर्मी जो है, क्या कहेंगे वे. पिछले साल हिवाड़ी अधिवेशन पे हम ICD शिक्षकों ने मोर्चा निकाला था, उसमें ICD शिक्षकों के ऊपर बेहद जुल्म हुआ, लाठीचार्ज हुए, पानी के फवारे हुए, उसमें हमारे माता भगिनी भी एडमिट हुए. तो भी सरकार को अभी 1 साल गया, सरकार ने कोई ठोस कदम उठा के इन ICD शिक्षकों को अभी तक परमानेंट नहीं किया. उसके बाद भी हमने मुंबई में भी मोर्चा निकाला, वहाँ पर हमारा 16 दिन आमरण उपोषण चला. सरकार की तरफ से सम्माननीय श्री विनोद तावड़े साहब से हमको आश्वासन मिला कि हम जल्दी ही कोई निर्णय लेके मानदंड के ऊपर का हम ICD शिक्षकों को लेंगे. लेकिन अभी तक कोई शासन निर्णय सरकार की तरफ से नहीं निकाला गया. फिर वही जोश, वही जुनून लेके हम अभी यहाँ पे पटवर्धन ग्राउंड में फिर उतरे हैं कि सरकार ने जल्दी से जल्दी निर्णय लेके हमको वापस में सेवा में लाना चाहिए. क्योंकि अभी 2500 ICD शिक्षक है जो पूरे बेरोजगार हुए हैं, उनके परिवार के ऊपर पूरी उपासमारी आई है. अभी तक सब नवयुवक होने के कारण, अभी तक उनके 5 साल सेवा में जाने के कारण उनको कोई कहीं इधर उधर कोई नौकरियां नहीं मिल रही है. सरकार ने ये बेहद इन ICD शिक्षकों के साथ जुल्म किया है, इसका जवाब सरकार ने देना चाहिए और इन सभी शिक्षकों को सेवा में लेना चाहिए, यही हमारी प्रमुख मांग है. अपनी मांगों को लेकर बीते वर्ष भी अधिवेशन में जमे रहे, लेकिन आज संगणक कर्मी जो है उनकी कई मांग है जो पूरी न हो सकी है. लेकिन सरकार को देखना है कि निर्णय लेते वक्त कभी भी कमजोर गिरती है. क्यों? क्योंकि जब ये जनता से जब वो पैसा वसूलना जानते तो कर्मियों को पैसा देना भी जानती है, सरकार की नीति होना चाहिए. लेकिन आज कई कर्मी कई जगह उनके पेट पर लात मार जाती है, कई कर्मियों को निकाला जाता है जिन्हें उनका हक का पैसा नहीं दिया जाता. अब देखना यह है इस अधिवेशन के दौरान इन संगणक कर्मियों को क्या न्याय मिलता है. कैमरामैन सुधीर के साथ मैं प्रतीक पांडे, यूनिटी न्यूज नागपुर. महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार स्वयंपाकी महासंघ गोंदिया याने हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान राज्य विधिमंडळावर 1 दिवसीय धरणे आंदोलन केले. त्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नसल्याने त्यांनी शासन आणि प्रशासनाला जवाब मागितला आहे. दरमहा 6000 रुपये मानधन मिळावे आणि 12 महिन्यांचा संपूर्ण मानधन देण्यात यावा. मागच्या अधिवेशनाला पण मंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले पण कोणी दखल घेतली नाही. थंडी, पाऊस, ऊन अशा दिवसात उपाशी तापाशी राहून आंदोलन करीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना केव्हा न्याय मिळेल हा प्रश्न ते करीत आहे. शालेय पोषण आहार बनाने वाले जो कर्मचारी हैं उन महिलाओं का धरना आंदोलन 6 सत्र के दौरान यहाँ पे नागपुर में किया जा रहा है और उनकी कुछ मांगे हैं कि बल्कि कई महीनों से कई सालों से उनकी मांगे पूर्ण न हो सक रही है. लेकिन आज अपना न्याय के लिए, अपने उस आश्वासन के लिए जो उन्हें उनकी मांगे हैं उस आश्वासन के लिए वो यहाँ पर 6 सत्र के दौरान नागपुर में पधारे हैं और आए हुए हैं कि कुछ तो भी समस्या इनकी हल होगी. लेकिन देखना यह है कि अब इनकी समस्या क्या होती है और सबसे पहले तो हमें जानना है कि इनकी मांगे क्या हैं. सर,
महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार स्वयंपाकी महासंघ हा 2009 पासून शासनाकडे स्वयंपाकी महिलांच्या विविध मागण्याच्या उद्देशाने आम्ही शासनाच्या मंत्र्यापर्यंतही पोहोचलो, परंतु 2009 पासून शासन या स्वयंपाकी महिलांची साधी दखलही घेत नाही। ह्या महिलांना तुटपुंज अशी मदत ते करत असतात। मानधन म्हणून त्यांना 1000 रुपये दिलेले आहे। 2009 पासून आम्ही सतत त्यांना सांगत आहोत, किमान रोजगार हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणी जे करत आहात सरकार, ती रोजगार हमीची जी योजना आहे त्या लोकांना जे मजुरी तुम्ही देता, किमान वेतन त्यांना मिळालं पाहिजे। या मागणीसाठी आम्ही शासनाकडे गेल्या 2009 पासून लढा देत आहोत, परंतु शासन काही ह्या लढ्याकडे ह्या मागण्याकडे दुर्लक्ष करत, जाणून बुजून दुर्लक्ष करत आहे। जेव्हा जेव्हा आम्ही त्यांच्याकडे निवेदन देण्यासाठी गेलो तेव्हा त्यांनी आम्हाला आश्वासनं दिली, परंतु त्याच्या पलीकडे त्यांनी काही केलेलं नाही। आणि म्हणून आज आम्ही या ठिकाणी धरणे आंदोलन करून शासनाला पुन्हा आमच्या ह्या ज्या मागण्या आहेत त्या त्वरित सोडाव्यात, नाहीतर हे आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलेले आहोत। नाहीतर हे स्वयंपाक करण्याचं काम आम्ही जोपर्यंत आमची पगार वाढ करणार नाहीत, या महिलांना किमान 200 रुपये रोज यानी महिन्याला 6000 रुपये मिळालेच पाहिजेत। आणि या महिला ह्या त्यांचे नियुक्तीपत्र हे शासनामार्फत दिलं पाहिजे। आणि ज्या वयस्कर महिला आहेत ज्यांनी 10-15 वर्ष त्या ठिकाणी काम केलेलं आहे 10-20 रुपयामध्ये, त्यांनाही सरकारनं मोबदला दिला पाहिजे। ह्या आमच्या मागण्या आहेत, न्याय्य मागण्या आहेत, सरकारला ते काही भारी नाही आहेत, परंतु सरकार जाणीवपूर्वक ह्या स्वयंपाकी महिलांकडे दुर्लक्ष करत आहे। तेव्हा या चॅनलच्या माध्यमातून सरकारना मी सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे की या गरीब महिलांचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करावा, अशी मी शिक्षण मंत्र्यांना विनंती करतो की त्यांनी हा प्रश्न स्वतः लक्ष देऊन सोडवण्याचा प्रयत्न करावा, ही विनंती। ऑल इंडिया उल्मा बोर्ड महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड मंडळाची 30 मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे, तरी पण महिने झाले त्यानंतर निवेदन कोणत्याही प्रकारचा पत्रव्यवहार किंवा माहिती देण्यात आलेली नाही। याचा जवाब मागण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान अधिवेशन मंत्रालय समोर बेमुदत साखळी उपोषण ऑल इंडिया उल्मा बोर्ड सदस्यांनी केला। जोपर्यंत महाराष्ट्र सरकार मागण्या पूर्ण करीत नाही उपोषण सुरूच असेल, अशी माहिती मौलवी उस्मान रहमान कादरी यांनी दिली आहे। मग प्रॉपर्टी आमची नाही कोणाच्या बापाची, मग प्रॉपर्टी आमची नाही कोणाच्या बापाची, मग प्रॉपर्टी आमची नाही कोणाच्या बापाची, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ऑल इंडिया उल्मा बोर्ड के यहाँ पे कुछ सदस्य अपना मांगों के लेकर इस सत्र के दौरान यहाँ बैठे हुए हैं। इस 2017 के दौरान ऐसे कई लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर अधिवेशन पे धड़क मोर्चा किया है, आंदोलन किया है, लेकिन कई लोगों की मांगें पूर्ण नहीं हो सकी है। देखिए उल्मा बोर्ड के जो सदस्य हमारे साथ में, इनकी क्या मांगे हैं जानेंगे हम उनसे ही, उनके जुबानी। सरकार ने जो हमारी महाराष्ट्र में 92,000 एकड़ ज़मीन है उस पर आधे से ज़्यादा सरकार का कब्जा है। हम चाहते हैं कि वो 60 साल का कब्जा जो है सरकार हटाए, वो वक्फ बोर्ड के हवाले करे। वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है ये हमारी है, और वक्फ बोर्ड से अगर हम ज़मीन हमको मिलती है या हमारे वक्फ बोर्ड के मसाइल हल होते हैं तो मुसलमानों को किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं। और वैसे ही हमारे जो 5 फाइलें हैं महाराष्ट्र की, जिसमें बड़े बड़े भ्रष्टाचार है, जिसमें अंबानी की जो ज़मीन है बॉम्बे की, वैसी 5 फाइलों को ट्राव लेकर बंद कर दिया गया है। हमारी ऐसी मागनी है, आमची मराठी मध्ये बोलू, आमची अशी मागनी आहे की ते 5 फाइला जे बंद आहे त्याला सार्वजनिक करा आणि जनतासमोर ते आणा की कोणी भ्रष्टाचार केलेला आहे। दुसरी अशी मागनी आहे की भ्रष्टाचारावर ज्या कमिटी आयोग करा अशी की जे लोकांनी भ्रष्टाचार केलेला आहे त्याला शिक्षा व्हायला पाहिजे। दुसरी गोष्ट अशी आहे की त्यामध्ये CID चौकशी चालू आहे
आणि ते सी आर डीचे अगदी बरेच दिवसापासून चालू आहे. तात्काळ ते पूर्ण करून जे लोकांनी भ्रष्टाचार केलेला आहे ते सी आर डी फाईल जे आहे ते सार्वजनिक करा, कारण जनतेला समजायला पाहिजे कोणी भ्रष्टाचार केलेला आहे. आणि 60 वर्षापासून आमच्यावर अन्याय होत आहे, त्याचं कारण असं आहे की जे जमिनी 600 मोठे मोठे घर बांधलेले आहे त्याच्यामध्ये घाटी दवाखाना औरंगाबादचा ते आमची जगावर आहे, विभागीय आयुक्त आमची जगावर आहे, महाराष्ट्रामध्ये बरेचशी अशी जागा आहे त्याच्यामध्ये ऑफिस बांधलेले आहे, सरकार त्यांचा भाडा बी आम्हाला देत नाही वॉकबोटला आणि त्याचा काही पैसे देत नाही. आणि एखादी गरीब माणूस जर बसला तो शासन त्याच्यावर कारवाई करतात, त्याला दंडे मारून पोलिस तो उठून देता. शासनाला कळायला पाहिजे की मुसलमानाचा एक गंभीर प्रश्न आहे, त्यामध्ये मुसलमानाचं जे मंडळ आहे त्या मंडळची जर जमीन मुसलमानांना दिली तर त्याला कोणाची गरज नाही शासनाचे 5 पैसे द्यायची, कारण जे 92,000 एकर जमीन आहे त्याची किंमत 5 लाख कोटी आहे. एवढी मोठी जमीन जर मंडळाला भेटली त्यामध्ये कॉलेज सुरू करू शकतात, त्याच्यामध्ये मुसलमानाची आर्थिक परिस्थितीची काम करू शकतात, परंतु शासन याच्यावर निर्णय घेत नाही आणि त्यामध्ये असे चेअरमॅन लोकांना नियुक्त करतात की जे भ्रष्टाचार करतात. नसीमा बानो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होती, आता 6 महिन्यापूर्वी त्याने 22,000 करोडचा घोटाळा केला आणि ते अशी न्यूसी दिली की त्यामध्ये ही जमीन वगबोडची नाही आहे. नाशिकमध्ये एक महिने 1950 ते जमीन दान केली होती आणि ते मोरवाडीमध्ये सिडकोमध्ये जमीन आहे आणि ते जमीनची युनिव्हर्सिटी देऊन असतात शासकीय लोका, खालचे लोका जे अधिकारी असतात चेअरमॅन असतात त्यांची मर्जीचे असतात, त्यांना समोर ठेवून ते भ्रष्टाचार करतात. आम्हाला BJP सरकारला एवढं सांगायचं आहे की 60 वर्षापासून जी जमीनवर शासनाची कब्जे आहे त्याच्यावर निर्णय घ्या आणि आमच्यावर जे भ्रष्टाचार झालेले आहे वर्कबोर्डमध्ये त्याच्यासाठी जाच आयोग कमिटी स्थापना करा, कारण मुसलमानला सगळ्यांचा असा सगळ्यांचा विकास असा दिसणार आहे. तवापर्यंत BJP सरकार असं करत नाही तो आम्हाला असं वाटत नाही की सबका साथ सबका विकास होने वाला है. हम BJP विनोद तावडे साहब से गुजारिश करते हैं कि वो हमारी मांगों को हम लेके बैठे हैं और वो जल्द से जल्द CID चौकशी को जो है तो पूरा करके मंजरे आम पर लेके आए. जे गुन्हेगाराने जमीनचे घोटाळे केले कोणत्याही पक्षाचा असो त्याच्यावर जर कारवाई झाली तर दुसरे माणूस ते जमिनीवर हात टाकणार नाही. देशाचे स्वतंत्रपासून मुसलमान त्रस्त आहे महाराष्ट्रामध्ये, भारतामध्ये सगळ्यात जास्ती जमीन महाराष्ट्रामध्ये आहे. आता BJP सरकारने एक मोठा सर्वे सुरू केलेला आहे की जमाबंदी कमिशनमार्फत वर्कबोर्डचा सर्वे चालू आहे. आमची अशी मागणी आहे की ते जमाबंदी कमिशनरमार्फत जे सर्वे चालू आहे ते सर्वे करून त्याचा गजट वर्कबोर्डमध्ये नोंदणी करावी आणि पुढचे येणारे आमचे जे लोक आहे जे येणारी पिढी आहे त्यांना आम्ही प्रोत्साहन देणार आहे, कारण एवढा मोठा मंडळ आहे लेकिन त्याच्याकडे 60 कर्मचारी आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये 2 लाख कब्रस्तान मस्जिद दर्गा अशी एवढी मालमत्ता महाराष्ट्रामध्ये आहे लेकिन त्याचा पाहणी करणारे जे कर्मचारी आहे ते कर्मचारी 60 आहे. 60 कर्मचारी काय काम करत नाही, शासन त्यांना पगार देत नाही, वेतन देत नाही, त्याला महामंडळाला कोणत्याही प्रकारची मदत देत नाही. आमची अशी मागणी आहे की महाराष्ट्र राज्य वर्कबोर्ड मंडळाला BJP सरकारने 500 कोटी रुपये द्यावे आणि 500 लोक कर्मचारीची नियुक्ती करावे, कारण जिल्ह्यामध्ये 65 जिल्हे आहे, 65 जिल्ह्यामध्ये जे मालमत्ता आहे वर्कबोर्डची त्याची पाणी करणारा त्यांच्याकडे साधन नाही आहे, कर्मचारी नाही आहे. आमच्यावर जे लोकांनी 60 वर्षापासून आमचे जे मत घेतले आणि आम्हाला सेक्युलरचे नावानं असं सांगितलं की बाबा आम्ही सेक्युलर आहे, आम्ही प्रजातंत्रावर विश्वास करतो असं सांगून मुसलमानाने 60 वर्ष ते लोकांना मतदान दिला. त्यामध्ये मी कोणत्याही पक्षाचं नाव घेत नाही, कारण सगळे मुसलमानाचा असा त्यानं ठेव समजली होती, त्याने बी आमचा काय उद्धार केला नाही. त्याचं कारण आमचे जे राजकारणी लोक त्यांचे जवळ होते त्यांची एवढी हिंमत नाही होती की ते समोरच्या लोकांना बोलायला पाहिजे, म्हणून ते भ्रष्टाचार वाढला. जे त्यांचे चौडीत गेले होते त्याने आपले स्वतःपुरते काम केले आणि मी कोणाचं नाव सांगत नाही. असे काही आमच्यामध्ये कार्यकर्ता आहे, आमचे मुस्लिम समाजामध्ये लोक आहे की ज्याने याच्यावर निर्णय घेतला नाही, जर आमचे जे कार्यकर्ते निर्णय घेतला असता हे आम्ही अमर पोषण इथं आलो नसतो आणि याला कारणीभूत ते चॅरिटी कमिशनमध्ये आमचे 1,000 कोटी जे पैसे जमा आहे 500 कोटी रुपये ते चॅरिटी कमिशनने सगळे जमा केलेले. आमची अशी मागणी आहे की चॅरिटी कमिशनने ते पैसे वर्कबोर्ड मंडळाला द्यावे आणि आमची मागणी जवळपर्यंत पुरी होत नाही आम्ही इथे जाणार नाही. महाराष्ट्रामध्ये सगळे कार्यकर्ता आमचे इथे आलेले आहे, मालेगाव, जालना, परभणी, नांदेड, जिंतूर, नागपूर, वाशिम, किनवट, पुणा, बंबई, दिल्लीचे आमचे जे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी आहे मुसानबुने इथे आलेले आहे, त्यामध्ये आमचे सुप्रीम बॉडी चेअरमॅन नौशाद मौलाना बी इथे आलेले आहे आणि जे आमचे मोठे मार्गदर्शक आहे महाराष्ट्राचे नायब अन्सारी साहेब जे आमचे सुप्रीम बॉडीचे चेअरमॅन आहे त्यांच्यासोबत बरेचसे लोक इथे आलेले आहे. आम्ही सरकारला एवढी विनंती करतो की आमची मागण्यावर 60 वर्ष असा विचार झालेला नाही, तुम्ही काय करून दाखवा,
कारण आमचे लोक त्रस्त झालेले आहे। जर मुसलमानला बीजेपी सरकारने हे करून दिलं की त्यांची जमीन त्यांच्या हातात दिली, त्यांना म्हणलं की बाबा हे घ्या तुमची आहे, तुम्ही याची उन्नती करा, कालच उघडा, आणि त्याला जर 500 कोटी रुपये दिले, कारण मसे दिले, तो आमच्यावर कधीही गरिबी राहणार नाही, कारण ते पैशेवर आमचे जे मुस्लिम समाजाचे लोक आहेत त्यांचा उद्धार होऊ शकतं, एवढंच मी सांगतो। धन्यवाद। मला कादरीने जी बताया की कैसे शासन प्रशासन के जो अंडर जो जमीन आती है और बाकी की जो जमीन है कैसे लोग हड़प लेते हैं, और उन जमीनों को जो वापस करना चाहिए, जो हक है जो दिया जाना चाहिए वो दिया नहीं जाता है। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि लोगों की जो जमीन है जिस चीज़ की, लेकिन समाज कुछ भी हो, कोई भी समाज हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो या गुरुद्वारा हो, देखना है कि उन जमीनों को उन लोगों तक, उन समाज तक उनकी जगह देना चाहिए। उन लोगों का जो कर्तव्य बनता है शासन ने उनका पूर्ण करना चाहिए। लेकिन कई मांगों को लेकर ऐसा होता है कि उनका जो मांग है पूर्ण नहीं होती है, लेकिन शिष्य सत्र के द्वारा हम देख रहे हैं कि आज कई दूर 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 दराज से आए हुए लोग अपनी मांगों को लेकर इस शिष्य सत्र के दौरान मुख्यमंत्री से अपना आश्वासन पर अपना आश्वासन पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार जो है आने वाली बीते दिनों में जो भी सरकार थी और अभी जो सरकार है कोई किसी प्रकार का ध्यान देती नहीं है, और इन लोगों को 10 का मास जो है शासन वैसी रहती है और कोई इनको गरीबों की गुहार होती नहीं है। देखना यह है कि आज जो मुस्लिम समाज ने, मुस्लिम समाज के जो जनता है उन लोगों का न्याय मिलता है, उन लोगों की गुहार सरकार सुनती है या नहीं। कैमरामैन सुखदेव के साथ मैं प्रतीक पांडे, यूनिटी न्यूज नागपुर। काकासाहेब वाघ सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड हे अचानक बंद करण्यात आल्याने निफाळ तालुक्यातील नाशिक जिल्ह्यातील कर्मचारी आणि शेतकरी यांना त्यांच्या हक्काचा पैसा दिला गेला नाही, याच कारणाने आपल्या मागण्या घेऊन नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने धडक दिली आहे। गरीब शेतकरी तसाच मरतोय, साखर कारखाना बंद केल्याने शेतकऱ्यांना उसाचा पैसा देण्यात आला नाही। हा साखर कारखाना विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या मालकीचा होता असे संघटनेने सांगितले। कामगारांचे थकीत देणे दिलेच पाहिजे, दिलेच पाहिजे, दिलेच पाहिजे। स्वाभिमानी शेतकरी संघटना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरा विदर्भ हो या महाराष्ट्र, किसानों की जो समस्या है कभी भी हल हुई नहीं है। कई किसानों जैसे आत्महत्या हुई, बाकी उनके जो किसान लोग हैं उन लोगों के जो किसानों की जो खेती है वहाँ पर कर्ज माफी हो या और कोई समस्या हो, किसानों की कोई भी समस्या आज तक हल हुई नहीं है। कई आंदोलन किसानों को लेकर हो चुके हैं, चाहे विदर्भ हो या महाराष्ट्र हो। ऐसे ही हमारे साथ में कुछ शेतकरी संगठन के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, जो अपना मांगों को लेकर इस शिष्य सत्र के दौरान विधान भवन में मुख्यमंत्री को निवेदन देने के लिए आए हैं। देखना यह है कि इनकी कुछ मांगों को लेकर क्या मुख्यमंत्री भी कुछ न्याय सुनाते हैं या कुछ उन लोगों को न्याय दिलाते हैं। राज वडघुले पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा प्रदेशाध्यक्ष म्हणून मी काम बघतो युवा आघाडीचा, आणि आज आमच्या सगळ्या शेतकऱ्यांना आणि रानवड सहकारी साखर कारखाना जो की नाशिक जिल्ह्यातून आहे तिथल्या कर्मचाऱ्यांना आणि तिथल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना घेऊन स्वाभिमानीचे पदाधिकारी या ठिकाणी इथं आंदोलनात उतरलेले आहे। मला दुर्दैवाने या ठिकाणी सांगावं असं वाटतं की ज्यांच्याकडे न्याय मागायचा आहे त्या विधिमंडळाचे जे अध्यक्ष आहेत माननीय हरिभाऊ बागडे साहेब, त्यांनी तो कारखाना चालवायला घेतला होता आणि आज त्यांच्या विरोधामध्ये आंदोलन करण्याची वेळ आमच्या शेतकऱ्यांवरती आलेले। गेल्या काही वर्षांपासून त्यांनी हा कारखाना बंद अवस्थेत ठेवलेला आहे, त्यांनी केलेल्या कराराचं उल्लंघन केलेलं आहे। शासन जे काही साखर आयुक्तालयाचे जे नियमन ते सगळे धाब्यावरती बसवलेले, सत्तेचा दुरुपयोग केलेला आहे, आणि साखर कामगारांची जी थकीत देणे असतील, त्यांचे पगार असतील, याशिवाय ऊस उत्पादकांचा जो विषय असेल, आज तिथला ऊस उत्पादक त्याला त्याचा ऊस तोडता येत नाही, बाहेर पाठवता येत नाही आहे, कारखाना दुसरं कोणी चालवत नाही कारण ॲग्रीमेंट या साहेबांचा आहे। या निमित्तानं या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही आमचा आक्रोश व्यक्त करतो आहे। शासनाला आम्ही या ठिकाणी इशारा देऊ इच्छितो की तातडीनं जर आपण कारखाना हरिभाऊ बागडे साहेबांनी जर सुरळीत सुरू केला नाही, या लोकांचे थकीत देणं जे असतील पेमेंट्स ते दिले नाहीत, ऊस उत्पादक शेतकऱ्याचे जर पैसे दिले नाही, तर निश्चितपणानं यापुढे खासदार राजू शेट्टी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्हाला माननीय हरिभाऊ बागडेंच्या घराच्या समोर जाऊन
आमचं आंदोलन आमचा आक्रोश व्यक्त करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. आम्ही सगळ्या शेतकऱ्यांना जाऊन यापुढच्या काळामध्ये तिथं आंदोलन करण्याचा मानस व्यक्त केलेला आहे आणि आमची इच्छा आहे की तातडीनं त्यांनी लक्ष घालून हा कारखाना सुरळीत सुरू करावा, तिथल्या देणे द्यावीत आणि जे काही बंद पडण्याची जी काही परंपरा मागच्या सरकारांनी चालवली त्याचं पाप यांनी त्या पापामध्ये सहभागी होऊ नये अशी विनंती आपल्या सगळ्या माध्यमातून मी हरिभाऊ बागडे साहेबांना करतो आहे. किसान जो लोग हैं जो अपने खेती में उपजाऊ गन्ने को लेके जाते हैं और किसी तो भी कारखाने में उन लोगों को वो मुआवजा मिलता है, लेकिन देखा जाता है कि ऐसे कई कारखाने हैं जो आज बंद पड़े हैं और किसानों को जो भाव है वो मिला नहीं है. यहाँ पे कई किसानगण हमारे साथ में खड़े हैं अपनी कई मांगों को लेकर. आज विधानसभा बोलो तो जो अध्यक्ष रहते हैं पूरा सभागृह उनके अंडर में रहता है, उनके हाथ में रहता है. जहाँ प्रश्नावली रहे, कोई आमदार रहे, कोई मिनिस्टर रहे, कोई मंत्री रहे, उन अध्यक्ष को वो प्रश्नावली पूछी जाती है और वो उसका उत्तर देते हैं. लेकिन उन्हीं अध्यक्ष का साकर कारखाना यानी जो शक्कर कारखाना बोलेंगे वो कारखाने में इन किसानों का जो पैसा लगा है, जो इन लोगों का जो माल लगा है, उस लोगों का मोल भाव इन लोगों को मिला नहीं है. किसान आज अपनी मांगों को लेकर शीत सत्र के दौरान मुख्यमंत्री को निवेदन दे यहाँ पर अपनी मांगों को पूर्ण करने आया है. लेकिन देखना यह है कि इस शीत सत्र के दौरान 2017 में क्या इन किसानों का मुद्दा यह मुख्यमंत्री हल कर पाएंगे या नहीं. कैमरामैन सुखदेव के साथ मैं प्रतीक पांडे, यूनिटी न्यूज नागपुर. कित्येक वर्षापासून पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी संघटना आंदोलन करीत आहे. शासकीय सेवेत त्यांना समाविष्ट करा ही मागणी 22 वर्षापासून करीत आहे, पण फक्त त्यांना आश्वासनाशिवाय काहीच मिळालेले नाही. शासनाला कित्येक वेळा निदर्शनात आणून दिल्यानंतर पण शासन आणि प्रशासन काही दखल देत नाही आहे. पुन्हा पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांनी तीव्र आंदोलन करण्याची चेतावणी दिली आहे. पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी यहाँ पर कई सालों से आंदोलन किए जा रहे हैं. इन्होंने कई आंदोलन ऐसे किए जैसे संविधान चौक हो गया, नागपुर के शीत सत्र के दौरान भी कई अपनी मांगों को इन्होंने रखा है और विधानसभा में किसी ने इनकी मांगों को उठाए नहीं, कोई मुद्दे उठे नहीं हैं. लेकिन आज भी ये पदवीधारी अंशकालीन कर्मचारी जो है अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे हैं. मी अंशकालीन पदवीधारी कर्मचारी च्या वतीने मी हेमंत जोशी बोलत आहे. आम्ही कित्येक वर्षापासून महाराष्ट्र सरकारने ही योजना अंमलात आणली आणि ही अनेक 22 वर्षापासून योजना अंमलात आणली. त्या योजनेतून आम्हाला जे काही पाहिजे होतं आम्ही 3 वर्ष महाराष्ट्र शासन शासकीय सेवेत सेवा दिली आहे. 3 वर्ष सर्वांनी पदवीधर झाल्यानंतर त्यांनी सेवा दिली आहे प्रत्येक महाराष्ट्र शासनातल्या प्रत्येक विभागात. पण त्यानंतर कित्येकांना कित्येक मुख्यमंत्री होऊन गेले, काँग्रेसचे असो अलग अलग पार्टीचे असो, पण त्यांनी काही या सेवेचं शासकीय सेवेत ज्यांनी सेवा केली 3 वर्षानंतर त्यांची काही पूर्तता पूर्ण केली नाही. आमचं असंच म्हणणं आहे की दरवर्षी 5 वर्षांनी नवीन सरकार येते, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट बदलते, पण ते नुसते आश्वासनं देतात आणि अधिवेशन आलं की अधिवेशनात तुम्ही या आम्ही येतो, तुमचं काम होईल, तुमचं काम पूर्ण करू असं आश्वासन देतात. पण कित्येक वर्षापासून नागपूरला अधिवेशन होत असते, वारंवार नियम बदलवतात, पण आता या अधिवेशनात महाराष्ट्राचे जे मुख्यमंत्री आहे माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस हे नागपूरचेच आहे. ज्यांना हा प्रश्न पूर्णपणे या प्रश्नाची आणि या समस्येची अत्यंत जाणीव आहे, पण ते जाणीव स्वतःला करून देत नाही आणि कित्येक मंत्रीमार्फत शिक्षण मंत्री, इथले जे पालकमंत्री, सहकार मंत्री, अर्थमंत्री या माध्यमातून त्यांना वारंवार सूचना देतो, लक्षवेधी सूचना आहे अशी पूर्तता देतात आणि कोणत्याही प्रकारचं आश्वासन पूर्ण करत नाही. मी त्यांना सांगू इच्छितो की आता तरी यावर्षी अधिवेशनाच्या काळात तुम्ही स्थानिक मुख्यमंत्री असल्याने या अंशकालीन पदवीधरांचा ताबडतोब समस्येने निपटारा करावा. जे काही उणीवा असतील त्या उणीवा दूर ठेवून त्यांनी ताबडतोब
ही अंमलबजावणी करावी आणि शासकीय सेवेत समावून घ्यावे. आणि असं जर ही जर आश्वासन तुम्ही पूर्ण करत नसेल तर आम्ही यानंतर एकदम तातडीने सगळे जे अंशकालीन कर्मचारी आहे आम्ही इच्छा मरणाला तयार आहो ही त्यांना जाणीव करून देतो आणि ही त्यांना ताकीद देतो. आणि तुम्ही हे इच्छामृत्यूची जे काही सगळे अंशकालीन कर्मचारी आहे त्यांना ताबडतोब मान्यता द्यावी. आणि हा जो एकदम कठीण प्रश्न आहे, ज्वलंत समस्या आहे, त्या समस्येचा ताबडतोब त्यांनी निपटारा करावा. उगाचच आश्वासनं देऊन आणि त्यांच्या भविष्याचा आणि आयुष्यावर खेळ मांडला आहे 22 वर्षांनी, ते त्वरित निपटारा करून त्यांनी ताबडतोब अंमलबजावणी करावी, हीच मी एवढी त्यांना विनंती करतो. बाकीचे कर आणि या अधिवेशन असेपर्यंत ताबडतोब त्याचा निर्णय राहावा. उगाचच आश्वासन देऊन तो प्रश्न असा रेंगात नका ठेवू, ताबडतोब त्याचा निपटारा करा अशी मी त्यांना विनंती करतो. कर्मचारियों का जो मसला है करीब 22 सालों से चल रहा है. 22 साल बोलो तो कांग्रेस की सरकार होने के बाद आज भाजपा सरकार, तब से लेकर आज तक के कोई भी इनकी मांग पूर्ण न हो सकी. लेकिन उम्र ढलते जा रही है, उम्र ढलने के बावजूद भी आज 22 साल होने के बावजूद भी, और कितने साल ये सरकार लगाती है, सरकार तो आते जाते रहेगी लेकिन इनका मसला कभी हल नहीं होगा और ना होते दिखाई दे रहा है. देखना यह है कि मुख्यमंत्री और ये भाजपा सरकार इस बार इन पदवीधर अंशकालीन को न्याय दिलाती है या नहीं. कैमरामैन सुखदेव के साथ मैं प्रतीक पांडे, यूनिटी न्यूज़ नागपुर. राष्ट्रीय मातंग महासंघ आणि क्रांती लहुजी सेनेद्वारे यावर्षी पुन्हा हिवाळी अधिवेशन काळात आपले धरणा आंदोलन करीत आहे. नेताजी जगदीश वानखडे हे या धरणाचे नेतृत्व करीत असून मागील कित्येक वर्षात आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारला उत्तर मागितले आहे. नेताजींचा संपूर्ण परिवार या आंदोलनात सहभागी आहे. आरक्षण आणि सन 2014 झालेल्या मातंग समाजावर अन्यायाविरुद्ध CBI चौकशी झाली पाहिजे अशी त्यांच्या मागण्या आहेत. पण सरकार कोणतेही त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही आणि गरिबांचे शोषण होत आहे असे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय मातंग महासंघ और लहू सेना की ओर से यहाँ के कुछ यहाँ पर धरना दिए हुए हैं. शीत सत्र के दौरान ऐसे कई आंदोलन किए जाते हैं, कई मोर्चे निकाले जाते हैं लेकिन सुनवाई किसी की भी नहीं होती. लेकिन अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर कई ऐसे जगह देखे जा रहे हैं. आज लानूजी सेना और मातंग समाज महासंघ की ओर से जिन्होंने कई बीते साल में लाठी चार्ज में भी लाठियाँ खाकर भी इनकी मांगे पूरी ना हो सकी. आइए हमारे साथ में वही शख्स है, आइए जानते हैं कि क्या उनकी मांगे हैं. 26 फेब्रुवारी 2014 बेअमानुष लाठीचार्ज घडून आला, त्या ठिकाणी कृष्णप्रसाद यांनी ह्या लाठीचार्ज केला. त्यावेळेस मातंग समाजाला अपकडानुसार आरक्षण मिळावं यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून मातंग समाज मंत्रालयावर जा आपल्या मागण्या मागण्यासाठी गेला. मागणी न देता त्यांना मंत्रालय साहेबांनी त्यांच्या ज्यावेळेस काँग्रेसची सत्ता होती त्यांनी आदेश दिले की मातंग समाजाला झोडपून काढा. यांनी काय केलं, सर्व मातंग समाजाला फोडून काढलं. अजूनही मग त्यावेळेस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निषेध नोंदला की मातंग समाजावर जर अन्याय करायला नाही पाहिजे, कारण इतर समाजाचे लोक जर त्या ठिकाणी जात असतील त्यांच्यावर लाठीचार होत नाही आणि मातंग समाजाच्या मोर्चावर का लाठीचार्ज होते असं हे देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री बोलले होते. विनोद तावडे आणि गोपीनाथ मुंडे अशा भाजप कार्यकर्त्यांनी त्यावेळेस खूप मोठं हे मातंग समाजाचं प्रकरण उचलून धरलं होतं. आज गेले 3 वर्ष झाले, 2014 3 वर्ष झाले पूर्ण, पण मुख्यमंत्री आम्ही दरवेळेस या असेंब्लीमध्ये परिवारासहित येऊन बसतो आहे. परिवाराला आम्ही बिमार पडलो आहे, आमच्या प्रकृती एकदम खराब झालेले आहे. ह्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची व्यवस्था नाही आहे, थंडीमध्ये अकडत आहे, प्याला पाणी बरोबर नाही आहे, इथलं पोलीस प्रशासन बरोबर नाही आहे. आणि आमच्या ज्या काही मागण्या आहे आजपर्यंत 13 तारखेपासून निवेदन दिलं, ते निवेदनाचं अजून आम्हाला बोलावणं पण नाही आलं, कारण
की आम्ही काय या ठिकाणी गरीब लोकांनी आंदोलन केलंच पाहिजे का, हे सरकारला कळायला पाहिजे. ह्या लोकशाहीमध्ये जर असं असेल तर आम्ही येणाऱ्या भविष्यामध्ये ह्या संपूर्ण मातंग समाज भाजपला त्याचा ठेंगा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. कारण की आज तुम्ही गोरगरिबांच्या मागण्या तुम्ही पूर्ण करू शकत नाही तर एवढं आंदोलन कशाला भरवता, त्यांना लाट्या काट्या का मारता, असं करायला नाही पाहिजे. मुख्यमंत्री साहेब, आज आम्ही 3 वर्षापासून आम्हाला वाटते की आमच्या नागपूर शहराचे आमचे मुख्यमंत्री साहेब देवेंद्र फडणवीस त्या ठिकाणी विराजमान आहे, ह्या गोरगरिबांचे आसू पुसतील असं काही आम्हाला वाटत नाही. तुम्ही मुख्यमंत्री झाले आहे, जनता तुमच्यावर नाराज आहे, आम्ही नाराज आहे. गेल्या 3 वर्षापासून तुम्ही आम्ही आंदोलन करतो, तुम्ही या ठिकाणी आम्हाला येऊन भेट द्यायला पाहिजे. भेट दिली नाही, तुमचा प्रतिनिधी स्वतः आम्हाला भेटायला पाठवला नाही, कोणता मंत्री तुम्ही आम्हाला पाठवला नाही. आमच्यावर एवढा मोठा अत्याचार केला, जर आज आमच्यावर अत्याचार तुम्ही असे करत असाल तर आम्ही ॲट्रोसिटी कायदा तुमच्यावर गुन्हा दाखल करू. महाराष्ट्र मातंग एकीकरण समितीद्वारा आपल्या मागण्या पूर्ण करण्याकरिता धरण्यावर बसलेले आहेत. धरण्या आंदोलन स्थळ वर लातूर क्षेत्रातील आमदार भालेराव यांनी भेट दिली आणि आश्वासन दिले की मुख्यमंत्र्यांना भेटून मातंग समाजाच्या हितासाठी योग्य ते करू, आरक्षण असो किंवा आर्थिक विकास असो, असे बोलताना त्यांनी सांगितले. मातंग एकीकरण समितीचं एकीकरण समितीचं महाराष्ट्र मातंग एकीकरण समिति के द्वारा पटोदर ग्राउंड नागपुर में शीत सत्र के दौरान यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है. हमारे साथ में लातूर के आमदार श्री भालेराव जी है, आइए जानते हैं यहाँ पर उन लोगों से जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों से वो यहाँ पर जानकारी लेने आए हैं और उन लोगों की बातें मुख्यमंत्री तक पहुँचाने हैं. तो आइए जानते हैं क्या करना चाहेंगे इन समिति के लिए. वो जो मातंग समाज की एकीकरण समिति नागपुर की जो है, उन्होंने यहाँ पर जो धरना दिया हुआ है, मैं ज़रूर इनके साथ सहमत हूँ. जो गरीब समाज की जो मांग है, सही पैमाने पर आरक्षण के बारे में हो, यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था के बारे में हो, अन्ना भाऊ साठे विकास महामंडल के बारे में हो, क्रांतिकारी लहूजी साळवे अभ्यासगट के आयोग के बारे में हो, और ज़्यादा करके हमारा मातंग समाज के अंदर एजुकेशन का थोड़ा सा प्रभाव कम होने के नाते से बहुत सारी गरीबियाँ कमियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही है. तो मैं ज़रूर हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से, कई बार हमने बात की है, सभागृह के अंदर भी हमने आवाज़ उठाई है, जरूर आने वाले दिनों में मातंग समाज के हित के लिए जितना कदम अच्छे से अच्छा लेना पड़े वो हमारा नेतागण यहाँ पे लेंगे, ये हमारी अपेक्षा है. सर, देखा जाता है कि कई बार यहाँ पर कई वर्षों से आंदोलन मातंग समाज का हो रहा है लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही है. हम खुद यहाँ पर आकर जैसे मीडिया लोग यहाँ पर कई बार इन लोगों को कवर करके गई है, फिर भी इनके जो आंदोलन है शुरू है और सरकार सुनती नहीं. ऐसे कई प्रलंबित है जो मातंग समाज के जो मांगे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है. आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्यों प्रलंबित हो रही है? नहीं, जो मांगे हैं हम सभागृह के अंदर उसी सरकार के अंदर से सदस्य हैं. हमने देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री साहब से हमने एक निवेदन किया था कि हमारे समाज को रमाई आवास योजना के अंदर से 1,36,000 घरकुल योजना यहाँ पे निगमित की थी, उसमें से 25,000 ओनली फॉर मातंग कम्युनिटी को देने के लिए हमने ये की इजाज़त मांगी. उन्होंने सिग्नल दिया और बड़ी पैमाने पे आज जो मातंग समाज की गरीबी रेखाएं हैं उसको आगे लाने के लिए घरकुल योजना से लेकर आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए ज़रूर कदम उठाए जा रहे हैं. लेकिन आने वाले समय में हमारी मातंग समाज की संगठित जो कमियां हैं उसको सुधारने के लिए मैं अभी हमारे सभी नेताओं को, यहाँ के नागपुर के सभी कार्यकर्ताओं को मैंने समझाया है कि आने वाले दिनों में एक समय लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का समय लेके आदरणीय गडकरी साहब केंद्रीय मंत्री उनका समय लेकर यहाँ की जो समस्या है ये समस्या ज़रूर यहाँ पे हल की जाएगी और उस बारे में उनको निवेदन दिया जा रहा है. मैं सभागृह के अंदर भी गए 5 साल से लेकर आवाज़ उठाते आ रहा हूँ
और जरूर हमको न्याय मिलेगा, ऐसी हमारी संभावना है। मुख्यमंत्री से बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, तो सभागृह में इस बात की मुख्यमंत्री से वो चर्चा भी करेंगे और इस बात को उठाएंगे भी। उन्होंने जैसे कहा, देखना यह है कि अब मातंग समाज के लिए और मातंग समिति के लिए मुख्यमंत्री क्या आदेश देते हैं। कैमरामैन सुखदेव के साथ मैं प्रतीक पांडे, यूनिटी न्यूज़ नागपुर। मुंबई येथे पोस्टल खात्यात काम करणारी महिला कर्मचारीला खोटा आरोपात फसून नोकरीतून काढण्यात आले। कित्येक वर्षापासून सरकारला न्याय मागण्याकरिता रानरान भटकत असल्याचे सांगितले आहे। या अधिवेशनात आपली मागणी पूर्ण होईल अशा आशेने नागपूरच्या पटवर्धन मैदानात तिने धरना दिला, पण गरिबाची चूल पेटायला वेळ लागते आणि अमीराची नखरे हॉटेलात दिसते असा किस्सा सपना परबचा आहे। कित्येक निवेदन दिल्यानंतर पण कोणतेही मंत्र्याने सपनाची दखल घेतली नाही, काय न्याय मिळेल याच आशेने ती या अधिवेशनात आली, आपली मागणी पूर्ण करण्याकरिता आली आहे। डाकघर में काम करने वाली सपना पूरव, ये मुंबई से हैं। देखना ये है कि इनकी कई मांगे हैं। इनको एक नौकरी से, उनके नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन उनकी क्या कारण था उस नौकरी से निकालने का, आइए जानेंगे उनसे ही जबानी। हकीकत ये है कि ये सपना परब जो है 1981 में पोस्टल डिपार्टमेंट का जो भी रिटर्न टेस्ट है, मेडिकल है, ट्रेनिंग है, वो लेकर बांद्रा ईस्ट मुंबई पोस्ट खाते में महिला पोस्टमैन करके लगी। 1980 से लेके तारीख 20 अगस्त 86 तक उन्होंने नियमित काम किया है। 84-85 में उनको डाकघर ने सेवा में कायम किया। अब सवाल ये होता है कि कायम करने के बाद 20 अगस्त 86 को पोस्टल डिपार्टमेंट ने खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया और बताया कि बांद्रा ईस्ट में आर्टेक बिल्डिंग के अंदर गच्ची में, टेरेस में कुछ आर्टिकल्स पड़े थे, वो हमने पोस्टल डिपार्टमेंट में लाए, आप जो गुनहगार है उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमारे पोस्ट ऑफिस में आइए। उन्होंने आने के बाद देखा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला परब ने ये ऑफेंस किया है, आर्टेक बिल्डिंग के गच्चे में ये आर्टिकल्स फेंका था। तो पुलिस ने उनको ये सवाल किया कि आर्टेक बिल्डिंग में अगर ऑफेंस हुआ था तो आपने हमको वहाँ क्यों नहीं बुलाया, ये जो आर्टिकल्स आर्टेक बिल्डिंग में मिला है वो पोस्टल डिपार्टमेंट में किसने लाया। अधिकारी वर्गों ने जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि हकीकत वही है कि जहाँ ऑफेंस होता है वहाँ पुलिस को बुलाना चाहिए। फिर पुलिस ने उनको बताया कि आप अधिकारी होके आपको कानून की जानकारी होने के बाद भी ये आर्टिकल्स आप लाए और 8 किलो वजन के बोलते हैं, तो ये किसने लाए इसका जवाब दो। जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो अधिकारी निकल गए। अब सवाल ये होता है जब पुलिस निकल गई फिर इनके ऊपर कार्रवाई कैसी हो गई। तो उन्होंने वो षड्यंत्र रचा था जिसमें यूनियन लीडर भी शामिल था, तो 8 किलो आर्टिकल कहीं भी नहीं थे, वहाँ के जमा किए थे और 8 किलो आर्टिकल्स इन्होंने फेंका करके इन्होंने फेंका तो पीएमजी आएगी। 8 किलो आर्टिकल्स बोले तो मामूली बात नहीं ना, पब्लिक सर्विस है वो, तो वो आई और पीएमजी आईपीएस आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने उनको पुलिस को बोला, पुलिस आपको क्या है, हाँ सरकार से ये बता, तो हाँ वही आगा। उसके बाद इनको पुलिस ने अरेस्ट किया पीएमजी आने के बाद, वही आता हूँ शॉर्ट में ही आता हूँ लेकिन थोड़ा बताना पड़ेगा हिस्ट्री। तो पकड़ा गया, पुलिस वालों ने इनके ऊपर कार्रवाई की, 48 घंटे के ऊपर रहे, इसके लिए उनको सस्पेंड किया, सस्पेंड के बाद 2-3 महीने में टर्मिनेट किया। अब उनके ऊपर जो आरोप लगाया उसमें से इनको एक्विटेड किया, निर्दोष छोड़ दिया। फिर निर्दोष छोड़ने के बाद अभी तक उनको क्यों नहीं नौकरी मिली, तो उसके लिए हमने प्रेसिडेंट तक गए, हसन मुशरिफ साहब ने भी जो माजी राज्य मंत्री कामगार मंत्री थे उन्होंने प्रेसिडेंट को लेटर भेजा, उन्होंने भी जो कोर्ट ने निर्दोष छोड़ा है उसके ऊपर ये किया। वापस हम 10 बार प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को मिले, उसके बाद भी पोस्टल डिपार्टमेंट दखल नहीं लेती है, इसके लिए हम आंदोलन करते हैं।
पोस्टल डिपार्टमेंट के पास कोई भी सबूत नहीं है। कैट में ये केस कैसी गई इसकी भी कानूनी कोई उत्तर नहीं दे रहा है। षड्यंत्र के चलते हुए सपना परब का जो नौकरी थी वो चली गई है और वो मुंबई से नागपुर के शीत सत्र अधिवेशन में यहाँ पर शीत सत्र में आई हुई है और अपनी मांगों को लेकर अपने गुहार लेकर अपने न्याय की मांग लेकर यहाँ पर सरकार को निवेदन देने आए। लेकिन अभी तक के सपना जी को कोई भी ऐसा पुरावा ठोस पुरावा के साथ कोई विधायक नहीं कोई मंत्री नहीं आया और कभी इनको कोई दखल अंदाजी भी नहीं दी गई। देखना यह है कि कब सपना को न्याय मिलता है और उन्हें उनके उनकी नौकरी जो गई है उन्हें कब उन्हें वापस मिलती है। कैमरामैन सुखदेव के साथ मैं प्रतीक पांडे, यूनिटी न्यूज नागपुर। शीत सत्र के दौरान कई आंदोलन कई मोर्चे विधान भवन पर धड़क मोर्चे लेके गए फिर भी किसी को न्याय मिला नहीं। आज इस विधान भवन पर कई ऐसे मोर्चे देखे गए जहां अपने न्याय के लिए लोग भटक रहे हैं, कई लोग धरना आंदोलन किए जा रहे हैं। देखते हैं इनमें से कुछ मोर्चों की झलक जो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। नागपुर शहर 2017 का अधिवेशन बहुत ही भारी कदमों से चलते हुए देख रहा है क्योंकि इस 2017 के शीत अधिवेशन में शीत सत्र में विधानसभा में कई आंदोलन कई मोर्चे हुए और कई आंदोलनकारियों को लाठी भी खाना पड़ा फिर भी टस से मस नहीं हुए। लेकिन आज विधान भवन में जो बातें चलती है जो सभा में जो आवाज़ गूंजती है सिर्फ जनता के न्याय के लिए गूंजती है लेकिन जनता की परवाह नहीं होती है, जनता के कोई काम आज पूरे नहीं होते हुए दिख रहे। वैसे ही कई आंदोलनकारी आज हमारे साथ में हैं जहाँ पर इंजीनियर एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी हमारे साथ में हैं कुछ अपनी मांगों को लेकर। देखना है यह है कि सरकार इनकी मांगों को कब तक न्याय दे लेते हैं। लेकिन हमारे साथ में सबसे पहले उनकी जुबानी हम सुनेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं। मी राजीव माणिकचंद भांगे सेक्रेटरी इंडियन अनएम्प्लॉयड इंजिनियरिंग असोसिएशन। आमची अशी मागणी आहे की माननीय श्री नितीनजी गडकरी साहेब जेव्हा बांधकाम मंत्री होते भाजपाचे शासन होतं तेव्हा आम्हाला त्यांनी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता म्हणून इंजिनियर्स लोकांना एक बांधकाम विभागामध्ये लायसन्स दिले आहे आणि त्या लायसन्सवर आम्हाला लॉटरी पद्धतीने कामे मिळत होती। पण आता माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे सरकार हे सुद्धा भाजप सरकार आहे पण त्यांनी ते आमची लॉटरी पद्धतीचे कामे सर्व पूर्णपणे बंद केलेली आहे। तर आमची हीच मागणी आहे की ती पूर्ववत लॉटरी सुरू व्हावी आणि आम्हाला 25 लाखापर्यंतची कामे लॉटरी पद्धतीने देण्यात यावी। आमची दुसरी मागणी अशी आहे की आम्हाला जी परफॉर्मन्स सिक्युरिटी आणि EMDची जी अट टाकली आहे सुबे अभियंत्यांना याचा आमच्या रजिस्ट्रेशनमध्ये हे नमूद आहे की तुम्हाला EMDमध्ये सूट देण्यात येत आहे म्हणून पण तरीसुद्धा आम्हाला हे ई टेंडर जी प्रणाली आहे त्यामध्ये आम्हाला EMD भरावं लागते तर त्यामध्ये आम्हाला सूट देण्यात यावी। आमची तिसरी मागणी अशी आहे की सुबेचं जे ऑनलाईनचं जे पोर्टल आहे त्यावर आम्हाला कमीत कमी 25 लाखा ते 50 लाखापर्यंतची कामं सुबे या पोर्टलवर टाकण्यात यावी आणि त्यामध्ये आम्हाला EMD आणि परफॉर्मन्स सिक्युरिटीमध्ये सूट देण्यात यावी आणि तसेच सुबे अभियंता यांना त्यांच्या अनुभवाच्या आधारावर 1.5 कोटीचं रजिस्ट्रेशन त्यांना देण्यात यावे ही शासनातर्फे आम्हाला आमची ही मागणी आहे। धन्यवाद। इंडियन अनएम्प्लॉयड मैं इंडियन अनएम्प्लॉयड इंजीनियर एसोसिएशन की ओर से ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आह्वान करता हूँ कि जो बेरोजगार अभियंताओं के साथ अन्याय अत्याचार की जो घटना हो रही है ये नहीं होना चाहिए। उनको रोजगार देने का जो महाराष्ट्र शासन ने वादा किया था वो वादा खिलाफी कर रहे हैं उसके खिलाफ़
हम पूरे महाराष्ट्र में 72,000 इंजीनियर पुरजोर आंदोलन करेंगे और ये 10 लाख लोगों के रोजगार का जो प्रश्न है उसको जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो नितिन गडकरी ने उस समय जो स्वप्न देखा था उसके साथ जो खिलवाड़ करने का षड्यंत्र करने का जो महाराष्ट्र शासन एक हमारे साथ धोखा कर रही है एक छलावा कर रही है उसके खिलाफ हम पुरजोर आवाज़ पूरे महाराष्ट्र में उठाएंगे और 10 लाख लोग अपनी रोजी रोटी के लिए पुरजोर आंदोलन करेंगे और इस गवर्नमेंट को बता देंगे कि युवाओं के साथ धोखा करने का नतीजा क्या होता है। हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आह्वान करते हैं कि उन्होंने जो वादा किया था कि 1.5 करोड़ का रजिस्ट्रेशन हम बेरोजगार अभियंता को देंगे वो हम उनसे हक अपना अधिकार लेकर रहेंगे और 25 लाख तक के काम बिना निविदा के हम उनसे छीन कर रहेंगे, ये हमारा अधिकार है और संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है उसके लिए हम तीव्र से तीव्र आंदोलन पूरे संपूर्ण महाराष्ट्र में लगातार करते रहेंगे, चाहे सरकार हमें न्याय दे ना दे लेकिन हमारा आंदोलन सतत चलते रहेगा। यही हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आह्वान है। इंडियन अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स एसोसिएशन के मैं जनरल सेक्रेटरी के नाते मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालय श्री चंद्रकांत दादा पाटिल से हम विनती करेंगे कि हमारे जो सुबह अभियंता हैं अनएम्प्लॉयड जो इंजीनियर्स हैं उनको जो हमारी जेन्युइन मांगे हैं उनको तोड़-तोड़ पूरी की जाए। ये हमारे इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स लगातार 3 सालों से बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट को कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ से लेकर मुंबई तक हमारे 3 साल हो गया, 3 साल में एक भी GR जो आई जो गवर्नमेंट हमारे फेवर में नहीं दी, जो उन्होंने पोर्टल भी जो तैयार किया उसमें 33% का जो GR निकाले उन्होंने पूरा डिवोलिश कर दिया, वो हमारे को प्रिविलेज अभी तक नहीं मिला है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नागपुर नगरी के लाडले नेता श्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस से मैं नर्म विनती करूँगा कि इसके ऊपर इमीडिएट इम्प्लीमेंट करें और हमारे सूबे जो बेरोजगार हैं उनको न्याय दें। हमारे आज सूबे का स्पेशल पोर्टल उनको जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के जो अधिक भार जो दिया जा रहा है उसको इमीडिएट ख़त्म करने की उनको कैंसिलेशन के लिए उनको ऑर्डर दिया जाए। माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल को मैं 17 नवंबर 2017 को हमने एक प्रतिवेदन लिपि दी थी लेकिन अभी तक उस प्रतिवेदन लिपि में कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है और कोई भी सुझाव बांधकाम विभाग से अभी तक नहीं है आया है। हमारे अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स एसोसिएशन का हमारे गॉड फादर माननीय सेंट्रल मिनिस्टर PWD सेंट्रल मिनिस्टर श्री नितिन जी गडकरी, जो पिछले टाइम भी हम गए थे गडकरीवाड़ा में हमने एक प्रतिवेदन लिपि दिया था, साहब ने हमको आश्वस्त किया था आप लोग जाओ और कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिपार्टमेंट कंसर्निंग डिपार्टमेंट को कॉरेस्पॉन्डेंस करो, हम जो हो सकता है हम करेंगे, ये 2017 की बात है। लेकिन अभी तक उसके ऊपर भी जो है उन्होंने अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया और कोई जो GR भी जो निकाले वो सूबे बेरोजगार अभियंताओं के विपक्ष में है। वो बेरोजगार अभियंता आज तक जो भी काम मिला उनके लायक लॉटरी के माध्यम से कि वहाँ ई टेंडरिंग के माध्यम से तन मन धन के साथ में उन्होंने स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर में किया लेकिन उसका भुगतान भी आज 3 साल हो गया उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया। जो भी बांधकाम विभाग है सार्वजनिक बांध की विभाग के अलावा इरिगेशन डिपार्टमेंट NMC NIT हमारे सूबे जितने भी सार्वजनिक बांधकाम है उसको स्पेशल पोर्टल तैयार किया जाए और 33% के जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने जो 2005 में जो दिया था हमारे नितिन जी गडकरी जी उस टाइम में हमारे सार्वजनिक बांधकाम मिनिस्टर थे उस टाइम में जो उन्होंने रिजोल्यूशन जो GR जो पारित किया था उसके ऊपर त्वरित उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट हम श्री चंद्रकांत दादा पाटिल से अपील और हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको हमारे सूबे के जितनी भी समस्याएं हैं उतनी समस्याएं जितना जल्द से जल्द हो सके उसको समाधान किया जाए, नहीं तो हम मुंबई नहीं हम मंत्रालय हम दिल्ली मंत्रालय के संबंधित बांध का सार्वजनिक बांध का सेंट्रल मिनिस्टर के पास जाएंगे और एक प्रतिवेदन लिपि हम माननीय हमारे जुआ का जो नेता है माननीय श्री
प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी साहब नरेंद्र जी मोदी के ऊपर भी हम उनको एक अपना प्रतिवेदन लिपि हम उनको देंगे। ये युवाओं की नियंत समस्या है सर, ऐसी ऐसी बातें हमारे युवा, जब से आपकी बीजेपी गवर्नमेंट आई हम उस बीजेपी गवर्नमेंट को जो तोड़ते हमने जो मोहर लगाकर हमने विजय बनाए थे, लाखों युवाओं ने आपको प्रतिवेदन लिपि आपके स्टैंप दिए थे, आपको जिता कर लेके आए, वो हम उसके ऊपर आज बेरोजगार 3 साल से बैठे हैं जब से आपकी गवर्नमेंट आई। हम कदापि इसको सहन नहीं करेंगे। और आज युवा वर्ग जो हमारे अनएम्प्लॉयड इंजीनियर जो बेरोजगार नहीं बेकार भी बैठे हुए हैं, आज उनको त्वरित हम महाराष्ट्र शासन से अपील करेंगे कि हमारे मांगनी को त्वरित इफेक्ट किया जाए, इसको अप्लीकेशन में लाया जाए और इसके जो जीआर जो अगेंस्ट में जो बना हुआ है उसको फिजिबिलिटी किया जाए। ये हमारी आह्वान रहेंगी इंडियन अनएम्प्लॉयड इंजीनियर एसोसिएशन की तरफ से। मैं जनरल सेक्रेटरी के नाते मैं सार्वजनिक बांधकाम विभाग माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र दादा पाटिल से भी और चंद्रकांत दादा पाटिल से भी ये हमारी नम्र विनती रहेंगी कि त्वरित इसके ऊपर अप्लीकेशन किया जाए और इसको इम्प्लीमेंटेशन करके इसको अपने कार्यान्वित किया जाए, ये हमारी विनती रहेंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नागपुर शहर में अधिवेशन के दौरान कई आंदोलन हुए, कई गरीब, कई तबके के लोग, कई बेरोजगार लोग अपनी मांगों को लेकर, अपने न्याय को लेकर सरकार से निवेदन किया, लेकिन सरकार की टस्की मस्क नहीं हो रही है और गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे ही हमारे साथ में आज शिक्षित लोग हैं जो कि एक अभियंता है, आज इन लोगों की मांगें पूर्ण नहीं हो रही है, तो आज सरकार किसकी मांग पूर्ण करना चाहेगी? जहाँ देखो वहाँ सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो, जहाँ पर भी देखा जाता है कि कोई भी गरीब बेरोजगार की बातें सुनी नहीं जाती, लेकिन उस गरीब तबके के लोगों पे और कई बेरोजगार लोगों पर भूखे मरने की नौबत आते हैं। लेकिन सरकार को बात ये जानना चाहिए कि आज कई बेरोजगार किए हुए लोगों को उनके पेट पे लात मारकर आज उनका परिवार कैसे जिएगा, कैसे रहेगा? यही अगर अभियंता को जिस दिन न्याय मिलेगा उस दिन भारत सरकार और इन अभियंताओं को, जो भी आज आंदोलन किए गए इन धरने आंदोलन पे कोई नहीं बैठ सकेगा, लेकिन आज इनको जो न्याय जो मिलना चाहिए वो न्याय मिल नहीं रहा है। देखना यह है कि महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बांधकाम विभाग अभियंताओं को कब तक के न्याय दिलाता है? कैमरामैन सुखदेव के साथ मैं प्रतीक पांडे, यूनिटी न्यूज़ नागपुर। बातमीपत्र इथेच संपलंय, पुन्हा भेटूया पुढच्या बातमीपत्रात। तुम्ही पाहत रहा युनिटी न्यूज़।